नमस्कार दोस्तों, आज के लाइव वीडियो में मैं एक ऐसे जुमले की बात करूंगा जो इतना बड़ा जुमला है कि आपकी भी आंखें बाहर आ जाएंगी इस जुमले को देख के। नॉर्मली जुमले क्या होते हैं, छोटे से जुमले होते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि 15-15 लाख सबको देंगे और नहीं दिए, एक छोटा सा जुमला हो गया, नहीं किया मतलब चलो जाने दो। लेकिन एक ऐसे जुमले हैं जो बार बार झूठ बोला गया हमसे और बार बार उन झूठ को दोहराया गया और फिर भी वो पूरे नहीं किए गए। कुछ ऐसे ही जुमले मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज। हमारे पीयूष गोयल जी पावर मिनिस्टर थे पहले, 2016 जून में कहते हैं गवर्नमेंट विल इलेक्ट्रीफाई ऑल विलेजेस बाय 2016 एंड। ठीक है, हमने कहा भाई 2016 तक सारी विलेजेस इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी। चलिए 2016 अक्टूबर आया, फिर कहते हैं चलो चलो एंड में नहीं होंगी 2016 की इलेक्ट्रीफाई, फिर कहते हैं ऑल विलेजेस विल बी इलेक्ट्रीफाइड बाय मई 2017। मतलब चलो ठीक है, तुम एंड 2016 तक नहीं करोगे, चलो मई 2017 तक कर दो सारी विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई। लेकिन जैसे ही मई 2017 आया फिर कहते हैं नहीं 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 मई 2017 नहीं, हम ना सारे हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई करेंगे मई 2018 तक। चलो भाई, मैंने सोचा मई 2017 नहीं कर रहे, एंड 2016 नहीं करा, चलो मई 2018 को ही कर लेना। और जैसे ही मई 2018 तो गया, जैसे ही सितंबर 2017 आया, पीयूष गोयल जी पावर मिनिस्टर नहीं रहे, आरके सिंह नए पावर मिनिस्टर बन गए, जो कि कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल बाय दिसंबर 2018। तो इन्होंने डेडलाइन और आगे बढ़ा दी, दिसंबर 2018 तक कर दी। तो मैंने सोचा भाई चलो दिसंबर 2018 ही कर लो। लेकिन जैसी 2018 का साल शुरू हुआ जनवरी में, कहते हैं 24 घंटे पावर अब मिलेगी मार्च 2019 को। देखिए भाई, पहले एंड 2016, फिर मई 2017, फिर मई 2018, फिर मार्च 2019, अब 2022, मतलब एक के बाद एक हर साल नए जुमले दिए गए और आप लोग बेवकूफ बनते रहे। अब एक्चुअली में बात करते हैं कि कितनी विलेजेस इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं। एक डेटा है, एक रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसने की एनालाइज किया कितनी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है। ये रिपोर्ट है मई 2017 की, जो कि बताती है दो सालों में सिर्फ 8% विलेजेस जिनको इलेक्ट्रीफाई बताया गया है कि वो हो चुकी हैं, उनमें से सिर्फ 8% विलेजेस ही फुली इलेक्ट्रीफाइड हैं। देखिए, सिर्फ 8% विलेजेस फुली इलेक्ट्रीफाई हुई हैं, और ये हर साल आपको आके बोल देते हैं कि हम सारी विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे 2016 तक, 17 तक, 18 तक, 19 तक और अब 2022 तक। और ये पहली बार नहीं है जब आपके साथ ऐसा जुमला खेला जा रहा है। एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूं ऐसे इतने ही लंबे और इतने ही बड़े जुमले का। ये खेला गया है हमारे वाटर एंड रिसोर्सेज मिनिस्टर उमा भारती के द्वारा। पहले कहती हैं 2015 में हम गंगा क्लीन कर देंगे, दो सालों में गंगा क्लीन कर देंगे। ठीक है भाई, दो सालों में गंगा क्लीन कर देंगे। लेकिन जैसे ही 2016 आया कहती है गंगा क्लीन कर देंगे हम तीन सालों में। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तीन सालों में गंगा क्लीन कर देना। फिर कहते हैं नहीं नहीं 2016 के अक्टूबर तक ना गंगा पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी। ठीक है चलो 2016 के एंड तक हो जाएगी। फिर कहते हैं नहीं नहीं गंगा जो क्लीनिंग है ना वो 2 जुलाई 2018 तक हो जाएगी असल में। मैंने कहा चलो जुलाई 2018 तक ही कर दो तुम क्लीन। फिर लेकिन जैसे ही 2017 आया फिर कहते हैं अरे नहीं नहीं 10 साल लगेंगे गंगा को पूरा क्लीन करने में। उमा भारती जी, मतलब ये यहां भी वही इलेक्ट्रिफिकेशन वाली कहानी, दो सालों में हो जाएगी, तीन सालों में हो जाएगी, चार सालों में हो जाएगी, नहीं 10 सालों में हो जाएगी। और इसकी असली रिपोर्ट क्या है, गंगा आज एज डर्टी एज एवर, ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने बताया है कि जितनी पहले गंदी होती थी उससे भी ज्यादा गंदी है आज के टाइम पे हमारी गंगा। ये हालत है रिपोर्ट की। तो हमारे पॉलिटिशियंस भाषण देते रहते हैं, प्रोमिसेस करते रहते हैं और आप लोग बेवकूफ बनते रहते हो। जनता को जागरूक होने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको भी पता लगे आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है बार 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 बार। और यहाँ पे फालतू में पार्लियामेंट में बात करी जाती है, हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं तो कभी नेहरू की बात कर लेंगे, कभी पकोड़ों की बात कर लेंगे। मतलब टॉपिक्स को ना, ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं जैसे गंगा क्लीनिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन,
इन पे आपको झुमले खिला दिए जाते हैं और जो बाकी इश्यूज हैं उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।